स्टाइल मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खुला पैन लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा महीन कटा हुआ शिमला मिर्ची, महीन कटी स्प्रिंग अनियन या फिर हरा प्याज थोड़ा सा, आधा कटा हुआ टमाटर, आधी कटी हुई प्याज और थोड़े से कटे हुए गाजर। इनको हम मिक्स करेंगे और इनको हम बॉईल आने देंगे। हमारी वेजिटेबल सब बॉईल हो रही हैं, हम इसमें ये मैगी मिला देंगे। एक फुली मैगी का जो क्यूब है वो मैंने मिला दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मैगी को अब कुक करेंगे। जब आप देखें कि मैगी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, हम इसमें डाल देंगे ये टेस्ट मेकर और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है, हम इसे हटा लेंगे और अब हम इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी गार्लिक की चटपटा तड़का बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने तड़के वाला पैन को गर्म किया है। हम इसमें डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 टीस्पून बटर और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होता है हम इसमें डाल देंगे 2 क्लोव्स छोटे छोटे महीन किए हुए गार्लिक। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जब भी बटर को पैन में डालें उसको अकेला ना डालें, उसमें हल्का सा पहले ऑयल डालें उसके ऊपर से बटर डालें, इससे जो हमारा बटर है वो जलेगा नहीं। ये देखिए हमारा गार्लिक ब्राउन हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इसको मिक्स करेंगे और अब हम अपना ये गर्मा गर्म तड़का मैगी पर लगाएंगे। हम अपना ये गर्मा गर्म तड़का मैगी के ऊपर डाल देंगे और अब हम ये चीज़ क्यूब लेंगे और इसको मैगी के ऊपर घिस देंगे। तो स्ट्रीट स्टाइल मैगी का यही मज़ा है, बहुत सारा चीज़, यम्मी तड़का और मैगी। और हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से हरे कटे प्याज के साथ। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है, तो लेट मी ट्राई इट आउट। Yum. It looks so yummy, so tasty. आप जरूर ट्राई करें एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।